दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए लखीमपुर की घटना। लखीमपुर में एक महिला ने अल्पसंख्यक समाज की सपा के इशारे पे और सपा के लोगों ने उसको मैनेज किया। एक हफ्ते तक उसकी काउंसलिंग की, उसको ट्रेंड किया और योजनाबद्ध तरीके से जब खबरें आईं कि सपा की जो स्थित है उतनी स्ट्रांग नहीं पड़ रही है, जब सपा के लोग ये जान गए कि अब हम चुनाव पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनको ऐसा एहसास हुआ तो उन्हीं सी ट्रेंड लेडीज़ को, कमर जहाँ को, उन्होंने आगे कर दिया। और कमर जहाँ क्या कहती हैं कि मैं बटन दबा रही हूँ साइकिल पे और पर्ची आ रही कमल की। अब उसकी रियलिटी का पता चला जब, तो देखिए क्या होता है। खीरी लोकसभा चुनाव में साइकिल का बटन दबाया तो फूल का छपकर आया। खीरी में आरोप लगाने वाली मुस्लिम महिला अब पलट गई। अपने बयानात जो उसने पहले तफसील से बताए थे, जारी किए थे, अब उस पर उसने नया खुलासा किया। ये सब मैंने आवाम को धोखा देने के लिए, अपने आकाओं के इशारे पे मैंने ऐसा किया था दौलत के खातिर, ये उसने स्पष्ट फरमाया। मोहतरमा फरमाती हैं कि लखीमपुर खीरी ज़िले में मोहतरमा ने ऐसा दावा किया कि जिससे चुनावी प्रतिक्रिया पर ही सवाल उठने लगा। हालांकि बाद में इस मामले की सच्चाई भी सामने आई। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान में यूपी की 13 लोकसभा सीटों की वोटिंग की जा रही थी। उसी दिन सीटों पर मतदान हो रहा था। उस समय शाहजहाँपुर खीरी, धरौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्री, कुन्नाव, फरकाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच लोकसभा सीट शामिल है। इसी बीच लखीमपुर खीरी ज़िले में एक मुस्लिम महिला ने ऐसा दावा किया जिससे चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगा। हालांकि बाद में महिला का यह दावा फर्जी पाया गया। महिला ने किया था बहुत बड़ा दावा। अब आपको बता दें कि जब सुबह तक ये पोजीशन थी, जब इटावा में, कन्नौज में और ख़ासतौर से कन्नौज में जब सपा ने देखा कि हमारी जो पोजीशन 2019 में थी वो भी अब नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ के जो हालात दिखे सपा के उसमें सन्नाटा, उसके बाद इस महिला को ट्रेंड करके उतारा गया। ऐसा वहाँ के सपा के लोगों के, इनका और इनके साथ के लोगों का दावा है। आपको ये भी बताते चलें कि लखीमपुर खीरी में सुबह मतदान करने आई मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया था कि उसने ईवीएम में बटन साइकिल पर दबाया था और पर्ची कमल की निकली। महिला के ऐसे आरोप ने सभी को ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर भी उसकी वीडियो वायरल होने लगी। वहीं महिला के आरोपों पर प्रशासन ने एक्शन लिया और खुद उस महिला के पास पहुँची। वहीं अब उसी महिला का वीडियो लखीमपुर खीरी के डीएम के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें वह कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई और वह संतुष्ट है। लखीमपुर खीरी के डीएम के अकाउंट ने शेयर किया जिसमें कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और वह संतुष्ट है। अब आपको क्लियर कर दें, ये जो पूरा मामला हुआ, जब इसकी हकीकत आई तो पता चला वहाँ के प्रोसाइडिंग ऑफिसर से, इलेक्शन अफसर से और वहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह, उन सबको जब बात बताई गई तो वहाँ के पोलिंग अफसर वगैरह ने सब जांच की। अब उसके बाद क्या होता है कि मॉक पाल के बाद में बाकायदे सभी लोगों के दस्तखत होते हैं। दस्तखत के बाद एक संतुष्टि का वो किया जाता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, मतदान ठीक से हुआ। उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। उस महिला से कहा गया चैलेंज वोट के लिए, उस पर भी तैयार नहीं हुई। और उसने वहाँ के अफसरों, जबकि उससे कहा गया अफसरों को आप जाके बताइए, उसको बताने को तैयार नहीं थी। वो पब्लिक में अपना वीडियो वायरल कराना चाहती थी, हाईलाइट होना चाहती थी, चूँकि सपा के लोगों ने उसको मैनेज किया था। अब आपको बता दें, इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात आ रही कि ये प्लान बे पे किया गया, जिसका प्रूफ ये है कि कमर जहाँ ने खुद बताया कि मेरे हस्बैंड का नाम आज़ाद है और मैंने जब बटन दबाया तो वो पता चला कमल का निकल। वहीं पे सपा के कार्यकर्ताओं ने बाद में अपरोक्ष रूप से बताया कि महिला जो थी ये वास्तव में सपा के विरोध में थी, मोदी की बहुत बड़ी भक्त थी। और वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इसने मोदी का प्रचार किया। जब वो निकली बाहर तो उसके हस्बैंड और ससुराल के लोग जान गए
कि ये भाजपा को अंदर से सपोर्ट करती है, इसने भाजपा तब इसको मजबूरी में कहने पड़ा, इसने कह दिया हमने वोट तो साइकिल को दिया था और लग गई कमल के। ये भी बात वहाँ के लोगों ने, सपा के लोगों ने खुद इस बात की पुष्टि की है। और आपको बता दें मार्क पोल की वोटिंग के सामने कलाकार पोलिंग एजेंट दस्तखत करते हैं, सब बाकायदे दस्तखत करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है। इस बात को सीरियस लिया गया, जब इलेक्शन कमिश्नर ने जांच किया, एजेंटों से पूछा, उन्होंने कहा किसी तरह सपा के एजेंटों से पूछा गया, बसपा के एजेंटों सब ने संतुष्टि की। इसके बाद डीएम ने स्पेशली जांच की, वहाँ गए इसके घर तो पता चला, उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब ये क्या है, पूरे इलेक्शन उस पर आपको बताया 2019 में ये हुआ, 2024 इसके पहले भी यही होता था। आपको बताना बड़े अच्छे ढंग से चुनाव चलता है। पहले क्या होता था, जब बैलेट बॉक्स से काउंटिंग होती थी तो सब लोग बड़े संतुष्ट होते थे, एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, कहीं कोई 50 से आगे हो गया तो वो पता चला बड़ा खुश होता था, फिर वो दूसरा वाला 50 से आगे हो गया तो उससे हाथ मिलाता था, 100 से आगे हो गया फिर हाथ। मगर जब कोई लंबी लीड लेने लगता है, जो पीछे होने लगता है, देखता अब हम कवर नहीं कर पाएंगे तो क्या कहता, बेमानी हो गई, बेमानी हो गई, बेमानी हो गई, और लास्ट काउंटिंग तक नहीं रुकते हैं। अगर देख लेते हैं कि 15,000 वोट बाकी हैं, हम 1.5 लाख से हार गए, तो काउंटिंग छोड़ के चले जाते हैं, जबकि अगर बेमानी हो गई तो वहाँ तक रुके रहो। ये एक इलेक्शन का नियम आज से नहीं पूरी दुनिया का है, जो भी हारने लगता है तब तक तो ठीक है, और जो ही यही पोजीशन जुए में होती है, यही चुनाव में होती है, जुए में जब तक आदमी जीत रहा था, जब हारने लगता है तो वहीं से बवाल शुरू हो जाता है, ये कहता बेमानी हो गई, और जब वो दोबारा जीतने लगता है कहता बेमानी नहीं, तब वो कहने लगता है। तो ये भी होता है। सबसे बड़ी बात को बता दें, इलेक्शन के उसमें बाकायदे किताबें बांटी गई थी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो करे, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था किसी भी तरह की वो नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इलेक्शन में ईवीएम का ये बीजेपी वाले नहीं लाए हैं, कांग्रेस के समय से आई है ईवीएम, और उन लोगों ने संतुष्टि की। अगर ये कर रहे थे, मान लीजिए बीजेपी वाले या मोदी जी करा लें, तो कर्नाटक में मोदी जी हार क्यों गए, चुनाव क्यों हार गए, हिमाचल में क्यों हार गए थे, और भी तमाम जगह मोदी जी हारे हैं, साउथ में हारे हैं, क्यों हार गए, बंगाल में क्यों हार गए, इसके पहले 2014 से पहले बीजेपी क्यों हार गई। तो कुल मिला करके ये एक पूरी वो है। दूसरी आपको बता रहे हैं, एक कहावत है, वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं, जब वहाँ के मौलानाओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा अल्लाह की जो मर्ज़ी हो, अल्लाह की मर्ज़ी अगर साइकिल को चाहेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी फूल पे होगी, जो वो चाहेंगे वही होता है, जो मंजूरे खुदा होता है। वहाँ के मुस्लिम अल्लामा ने भी इस बात को कहा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि नौटंकी स्पेशली रूप से हुई, जब चैलेंज वोट को भी ये तैयार नहीं हुई, और जब ये महिला कह रही थी कि हम कमल को डाल रहे थे, इसका आई कॉन्टेक्ट बतला रहा था, इसकी जोर देकर आवाज़ देने का कि अपने गलत बात को साबित करना चाह रही है जी, और दूसरा ये मुंह छिपा रही थी, मुंह छिपा रही, उससे ही पुलिस ने प्राइमा फेसिया मान लिया था। जब डीएम के पास ये बात गई तो डीएम ने को भी लोगों ने ये आर्गूमेंट दिए, डीएम ने कहा नहीं मैं इसकी जांच करूंगा, तब भी मुंह छिपा रही थी, इसके बाद भी मुंह छिपा रही थी, तो उससे ये पता चला कि ये योजनाबद्ध तरीके से एक बहुत बड़ी नौटंकी थी, और ये बच गई। और कुल मिलाकर के चुनाव पे कहीं पर भी नहीं ये इस तरह से अफवाह वो लोग उड़ाते हैं जो चुनाव हार रहे होते हैं, चाहे उसमें सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे बीजेपी के हों। अगर बीजेपी भी कहीं चुनाव हारने लगती वो भी कहने लगती। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।